अब आपको नया वाहन खरीदने से पहले उसकी पार्किंग का सबूत देना होगा। केंद्र सरकार वाहन खरीद से संबंधित इस तरह के नियम को बनाने की योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पार्किंग प्रमाण पत्र को जरूरी करेगी। उन्होंने नियम को लागू करने के बारे में बताते हुए कहा कि अभी परिवहन विभाग से इस विषय में बातचीत चल रही है। इस बारे में नितिन गडकरी से बात की है, साथ ही इस योजना से संबंधित सभी जानकारी राज्यों को भी भेजी जा रही है। तो अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़भाड़ कम करने की कोशिश में सरकार की ये नई पहल है। पार्किंग की जगह की उपलब्धता का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही वाहन खरीदने वालों को वाहनों के पंजीयन की इजाजत दी जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में अनिवार्य कर दिया जाएगा कि बिना शौचालय के किसी भी भवन के निर्माण की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस दौरान शहरी विकास मंत्री ने एक गूगल मैप टॉयलेट लोकेटर ऐप भी लॉन्च किया। यह ऐप दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट ढूंढने में मदद करेगा। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलावा इस सुविधा का लाभ मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहरों में भी दिया जा सकेगा। तो सरकार नियम बनाने जा रही है कि आपके पास गाड़ी पार्किंग की सुविधा नहीं है तो आप वाहन नहीं खरीद सकते। ज्यादातर लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं लेकिन उसे सड़कों पर पार्क कर देते हैं, जिससे सड़कों पर जाम लग जाता है। इस नियम से सड़कों के अतिक्रमण से छुटकारा मिलेगा। देखते रहिए डीबी लाइव।